वैसे सीखना तो कभी स्टॉप ही नहीं होता है, बट इतना होता है कि कैरेक्टर बिल्ड करना, एक कैरेक्टर या रोल निभाना, कॉन्फिडेंस लाना, प्रैक्टिसेस होती हैं आपका। कैसे कैमरा के सामने हम वो चीज़ें कर सकते हैं जो हम पर्सनली अकेले में करते हैं? अगर हम कैमरा के सामने वो चीज़ें दिखा पाते हैं तो हम कॉन्फिडेंट हैं। कॉन्फिडेंस क्या होता है उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस? हम जब भी बात करते हैं अकेले में लोगों के साथ तो बहुत कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, अपने घर में अपने दोस्तों से बहुत ही खुल के बात करते हैं, लेकिन जैसे कैमरा के सामने हम आ जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस चला जाता है, हम कॉन्शियस हो जाते हैं। कॉन्शियस क्यों हो जाते हैं हम? अगर हम अकेले रूम में हैं तो हम नाक साफ करते हैं, हम बाल सजाते हैं, सब वो चीज़ें करते हैं और बहुत खुल के करते हैं। यही चीज़ अगर कैमरा के सामने करना पड़े तो वो बॉडी के जो एक मूवमेंट्स है वो नहीं आती है। अभी जैसे मैं, अभी हम कैमरे के सामने चाय पियेंगे, ये चाय है, इसको मुझे पीना है कैमरे के सामने बहुत ही कॉन्फिडेंटली। ये कॉन्फिडेंस होता है कि जो आप अकेले में करते हैं खुल के, अगर वो चीज़ आप 10,000 लोगों के सामने कर लेते हैं तो दैट इज़ कॉन्फिडेंस, है ना? मुझे पता है कैमरा है यहाँ पे, मुझे ये भी पता है कि लोग मुझे देखेंगे, लेकिन मुझे कोई चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कोई आपको चीज़ दिखाऊं, कुछ शर्माऊं आप लोगों से। मैं नहीं शर्माऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शुरू से ही ये कॉन्फिडेंस आप में आएगी, नहीं, आपको धीरे धीरे ये धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस आप में आएगा। जब कैमरा के सामने बार बार बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो ऑब्वियसली एक्टिंग का भी आप में आएगा, एक्टिंग भी खुल के कर पाएंगे कैमरा के सामने। कॉन्शियस नहीं होंगे और आप कोशिश नहीं करेंगे कि कुछ दिखा रहा हूँ ऐसा कुछ करके, तो ये मत करिए। जो भी एक्टर हैं, अगर वो एक्टिंग की नॉलेज रखते हैं, उनको ये चीज़ समझ में आएगी कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ या उनको बता रहा हूँ कि हम कॉन्फिडेंट कैसे दिखे। कॉन्फिडेंट तभी दिखेंगे जब आप कुछ दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। लाइक डोंट ट्राई टू बी नाइस और डोंट ट्राई टू शो समथिंग, लाइक मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करो मत, मतलब ये है कि मैं अगर ये चाय पी रहा हूँ तो ये चाय मैं पी रहा हूँ, इसमें मुझे क्या दिखाने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? सिर्फ नेचुरल होना ज़रूरी नहीं होता है एक्टिंग में, रियल होना भी ज़रूरी होता है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए, कॉन्फिडेंस के बारे में बताता हूँ। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आपको लोगों से फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप चाहें किसी के बारे में कुछ भी सोच ले, आप मेरे बारे में कुछ भी सोच लो, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे अच्छी बात करे या कुछ भी हो तो ऐसा मुझे किसी की सुननी नहीं है या किसी की परवाह नहीं करनी है, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि अगर मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे, कैसे लग रहे, या कपड़े कैसे पहने, ये मैंने पहने मुझे सही लग रहा है, तो सब सबको लगे ना लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे हैं, आपको खुद पे जो भरोसा है, जो हैं आप, सो जस्ट बी दैट। एंड लोगों की नज़र से जीना नहीं है आपको। जिसको लोग नफरत नहीं करे उसको, उसके कोई दोस्त भी नहीं होते, जिसके दुश्मन नहीं होते उसके दोस्त भी नहीं होते। मीन्स ये है कि हमेशा ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपको लोग हमेशा, सभी लोग खुश हैं आपसे, सभी आपको लाइक करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। फीलिंग सेज कि आपका इमोशन मैटर करता है, बट इमोशन सेज कि द एक्सटर्नल वर्ल्ड मैटर करता है आपके लिए। अभी आप कहीं पर भी है, कुछ कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको अगर ये फर्क पड़ रहा है कि यार ये लोग क्या सोचेंगे, वो क्या कहेगा, देन आप अच्छा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप उस पर डिपेंड हैं कि वो जो सोच रहा है, जो बोल रहा है, उसने अगर अच्छा बोला तो मैं अच्छा हूँ, उसने अगर बुरा बोला तो मैं बुरा हूँ। दूसरे के ऊपर क्या डिपेंड होना है, दूसरा सोचने दो उसको। आप सीखो, काम करो, जिस भी फील्ड में जाओ पहले उसका ज्ञान लो, सीखो उसको, सीखते रहो हमेशा। आपके कपड़े कैसे लग रहे हैं, आपके बाल कैसे हैं, ये सब कैसे, आप मतलब किस लिए जीते हो? लाइक अगर मैं स्टाइल मारता हूँ, मैं बोलता हूँ अरे यार वो लड़कियाँ देखेगी मुझे, ये वो, अच्छा मैं लड़कियों के लिए जी रहा हूँ, सबके लिए जी रहा हूँ। लाइक हर कोई चाहता है कि वो सबकी हेल्प करे, उसके पास बहुत पैसा हो और लोग उससे प्यार करे। अगर कोई मुझे एक पसंद करता है तो मैं अच्छा हूँ, नहीं करता है तो मैं बुरा हो गया, ऐसा नहीं होता है।
आपने कुछ बुरा नहीं किया है तो फिर भी आप लोगों को नहीं अच्छे लग रहे हो, तो मतलब कि इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बुरे हैं। कैमरा के सामने जब आप आते हैं तो कैमरा से बात करो। मेरा एक स्टूडेंट था, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी ये किस्सा बताया था मैंने, तो मुझे वहाँ उस बंदे ने जो जिन्होंने कॉल टाइम दिया था उनको बोला कि सर कोई अगर लड़का है तो अच्छे से अगर कर लेता है, अगर कोई लड़का है और अच्छे से अगर कर सकता है तो भेज दो। तो एक लड़का था वो बोलता है कि सर मैं मुझे भेज दो मैं कर लूँगा। तो मैंने कहा कि जब मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप लड़की का हाथ पकड़ने से शर्माते हो, घबराते हो, आप काँपते हो आप। तो बोला कि नहीं सर मैं 12 घंटे प्रैक्टिस करूँगा, 3 बजे तक प्रैक्टिस करूँगा, सर मुझे भेज दो ये वो सब। लेकिन मैं क्लास में जब भी उसको बोलता था कि शर्माओ मत, लड़कियों से मत शर्माओ, यहाँ पे प्रैक्टिस करो, तो बोलता था कि नहीं सर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं कर लूँगा। तो जब शूटिंग पर गया वहाँ पर एक शॉट दिया था तो वो सही था, चूँकि लॉन्ग शॉट था, लेकिन जब क्लोज लेना था उनको, मीन्स कि आपका या मास्टर शॉट या क्लोजअप कट रहा है तो आपका फेस दिख रहा है और फेस बहुत सामने आमने क्लियर आ रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत हुई, यहाँ पे वो लीड वाली जो लड़की थी उसने सिर्फ उसको टच किया, मेरे स्टूडेंट को टच किया, कोई सीन था। अब उसने टच किया और इसने देखा और हालत ख़राब, पसीने आ रहे। फिर मैंने उनको बोला कि देखो मैंने आपको कहा था कि प्रैक्टिस करो, शर्माओ मत, अगर लड़की के साथ गले मिलना है, उनके साथ नाचना है, कोई सीन करना है, टच करना है, तो इसमें शर्माओ मत, अगर शर्माओगे तो काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये सब चीज़ें अगर आप क्लासेस में फेस करते हैं प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो आपको नर्वसनेस नहीं होगी, आप काम ठीक से कर पाएंगे। आपको भी अगर आना है यहाँ पर सीखना है तो आप आरके एक्टिंग एकेडमी में आ सकते हो और यहाँ पर सीख सकते हो। स्टार तो नहीं लेकिन एक्टर आप ज़रूर बनेंगे अगर आप मेहनत करेंगे। मेरे ऊपर 10% है, आपके ऊपर 90% है, मैं फिर बोल रहा हूँ। कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिनके दिमाग में जल्दी बात नहीं जाती, उनको बताने के लिए समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। कोई कोई होते बहुत फास्ट होते हैं, बहुत ही शार्प माइंड होता है उनका, तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज, एक सीन में कैसे जाएं, कैसे डायलॉग्स याद करें, ये सब के ऊपर हम बोलते हैं।